open today, man on earth. In a nobat choy. In a nobat. In a kariyai. Jeko tinna dain salan mein, jeko thi guzriwa, jeka jal sazi thi guzriya, unha saan taan saan hal vandiyo. Hua ta mulka mein, nizam, parliamani nizama, federation ahe, wafaq ahe, उनके वफाक ठाईंदर चार यूनिट आहिनि उन्हनि जे विच में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आहे सदर आइन जो कस्टोडियन आहे उनजो बचाउ कंदड़ आहे पर थियो ईअं तव्हां ॿुधी न पिया साल अॻे हुकूमत ख़तम थी जो बाबा अंदरां असेंबली जा मेंबर मटिया वफ़ादारियूं मटायूं पोइ हुकूमत ख़तम थी वई इहो पर तव्हां रुॻो हिन इलेक्शन्स खां अॻे जी कारगुज़ारी ॾिसो सिंध असेंबली पंहिंजा एग्ज़ीक्यूटिव पावर जेके इख़्तियार हूंदा आहिनि उहे सरेंडर कया पंहिंजे क़रारदाद जे ज़रिए वफ़ाक जे हक़ में ॿ हज़ार टेवीह में एस आई एफ सी जे नाले ते हिकिड़ो कानून जो हिसो ठाहियो वियो ऐं हिकिड़े दफ़ा वरी 1954 खां पोइ वरी मुल्क जे अंदरि चयो वियो त ही असांखे त ही असां एस आई एफ सी इन करे था ठाहियूं त हिकु वन विंडो ऑपरेशन थिए मुल्क जी तरक़ी थिए जेॾी महिल उनजा तफ़सीलात आया त ख़बर पई त हीअ वन यूनिट नई लॻी आहे जंहिंमें सूबा ऐं वफ़ाक इन एस आई एफ सी जा पाना अदा पाना हूंदा उन में वज़ीर आला वेहंदो उन वज़ीर आज़म वेहंदो ऐं तरक़ी ऐं हिकिड़ो महिमान ख़ासि वेहंदो हिकिड़ो महिमान ख़ासि वेहंदो उन जो आहे उहिदो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं पोइ फ़ैसिला थींदा हाणे ॿुधायो वफ़ाक़ी हुकूमत किथे हूंदी सूबाई हुकूमत किथे हूंदी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट किथे हूंदो इहे सभु बाईपास ऐं शराकत इक़्तदार ऐं सुप्रीमेसी ऐं आइन में इक़्तदार जे मथां ग़लबो इहो आहे इदारो एस आई एफ सी वरी हुनजी हिकिड़ी शाख़ आहे उहा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बाबा पाकिस्तान साओ थींदो अहिड़ी ख़ुशहाली ईंदी जो हितां वारा त ख़ुशहाल थींदा पर जीअं ज़रदारीअ जो पुटु चवंदो आहे पहिरियां माण्हू हिते था इलाज कराइण अचनि अस्पतालूं अहिड़ियूं असां सुठियूं चयूं सो हितां त चयो पर सॼी दुनिया जा इन्वेस्टर जोड़ी पवंदा ऐं अची सीड़प कंदा किथे सीड़प कंदा पाकिस्तान में अरबे डॉलर खणी ईंदा सऊदी अरब खणी ईंदो कुवैत खणी ईंदो अरब इमारात खणी ईंदी ऐं पोइ बसि जावा थी ईंदा एक्सपोर्ट कंदो मां हितां ॿाहिरां घुराइण जे बजाए मुल्क पंहिंजे पेरनि ते बीह वेंदो उनजी जॾहिं तफ़सीलात आई त वरी ॾिठोसीं उनजी तफ़सीलात आई त 6 कैनाल निकिरंदा उन्हनि 6 कैनाल न पंजाब जी इरीगेशन जा हूंदा माण्हू हुन में न सूबाई असेंबली सूबाई इरीगेशन डिपार्टमेंट सिंध जा हूंदा उहे 6 कैनाल असीं उतखल कयूं माना ॿिया जेके असांजा कैनाल आहिनि उहे आम आहिनि हू स्ट्रेटेजिक कैनाल आहिनि यानी मुल्की सलामती जा कैनाल आहिनि जेके 365 ॾींहं खां आहिनि आर्मी जो कमु आहे ऐं उन्हनि ते नई 48 लख एकड़ ज़मीन आबाद थींदी वरी की नई मुसीबत वरी अञा उहा शुरू थो थिए त करण वारो केरु या साॻिया पना केयर टेकर इरीगेशन जे वज़ीर ईश्वर लाल ते खणी विया उन जवाबु ॾिनो चई बाबा आउं कोन कंदुसि वञी हुकूमतूं ॿियूं कनि ए पना यूनिस डागा फाइनेंस मिनिस्टर सिंध जो उन ॾे खणी विया बाबा तूं ही असांजा नाजाइज़ कैनाल पूरा करे ॾे हा कर यूनिस डागा जवाबु ॾिनो चीफ मिनिस्टर बाकर मकबूल ॾे खणी विया उन चयो आउं कोन कंदुसि इहो सिंध सां ज़ुल्म आउं न कंदुसि पंहिंजे अॼु हुकूमतूं कनि आख़िर में सदरे पाकिस्तान में खणी विया आरिफ अलवी जो हुनजो रुॻो हेतिरो चवणो पाकिस्तान जे कंहिं बि सूबे में किथे बि पाणी वञे
पंजाब वही सरहद वही बलोचिस्तान वही पानी सिंध जो वो यो 36 लख एकड़ जो पानी जो वो यो सजो सिंध मुतासर थी सिंध बड़बांग थी उन रद्द कर छो पर भाड़े में सदर जो डिप्टी कमिश्नर के जरिए पैर इन चंगे मुड़स अयूब के चूंडा डिप्टी कमिश्नर के मार्फत वरी हाँ डिप्टी कमिश्नर के मार्फत ही सारी जालसाज इलेक्शन थी फॉर्म 47 वाली ठगी वाली इन में आयल हुकुमरान यो 8 जुलाई से फैसलो किया या दलाल बयान कर सकिया यो आऊं कंदुस आई मुल्क जा छो छो त सिंध जा भाड़िया भाड़िया मु गद करे हुकुमरानी ठाईया वो मुझे पेरे पांदा पर सिंध ला को जुमला न चांदा ए भाड़िया केर उन जा सातारी सूबाई असेंबली में बैठल है कौमी असेंबली में बैठल है ए सेनेट में बैठल है ए सरकारी जगह हुकुमरान सिंध मा वयान ए सब भाड़िया भाड़िया ची मुख गड किया सिंध में मजाल जो कुछ पर उनके खबर कानी था अच्छा कंदा 36 लख एकड़ पैरी पैरी चोलिस्तान गेट थल कैनाल ठंडा जैमें 36 लख एकड़ थी आबाद नई जमीन निकरंदी किथे रेगिस्तान में बाबा ही पानी असांजे कैनालन जो आ असांजे जमीनन जो आ जो इडी किना नहीं किना पानी वादू हुंदो आ त नहीं शाख कटबी आ न पानी त खुटला बाबडा जी अंग अखर मुताबिक 6 मिलियन एकड़ फुट खोटा उन जे करे असा दयामीर पाशा डैम ठायूं था यानी दयामीर पाशा डैम जने ठई पूरो थिंदो ओ बे पानी पूरो मस थिंदो बड़ी उन करे या सजी साजिश इन करे आईन के ओरांगे छो तो फैसलो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट करनी है उन के ओरांगे टे जनरल विहारे एको वजीर दाखला विहारे आयो हुकुम जारी कियो तो वनो सुबन के चो पैसा दियो वफाक के चो पैसा दियो आई असी ये तामीर ताई करनी होदा इन जनरल साहब ही ए फैसला कंदा उन करे असी समझू पिया तायो एसआईसी नाले में जो इदारो ठायो हो वफा के पाकिस्तान जे बुनियादी बनकड़ी आनुड़ी शक्ल आ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के इलाका जरूर सुना इलाका आबाद थींदा पर सिंध बर्बाद थींदी हिन असांजी वहंदड़ सिंधु नदी जेका हजारे सालन का वहंदी अचे जैंजी दुनिया जी पुराणी पुराणी तहजीब आ उनजा 6 करोड़ मानू वेठा आहिनि उनजा वारिस उन्हनि जो उन्हनि जे ज़रिए मां उन्हनि जी तहज़ीब खे मिटाइण जो आसिफ़ सरदारी भाड़े जे फ़ैसिले खे असीं नथा मञूं आवाम ॾे आया आहियूं असीं असीं तव्हां ॾे आया आहियूं त बाबा भाड़िया भाड़िया दलाल असेंबली मेंबर वेठा आहिनि सवेल जीअं अयाज ॻाल्हायो त मेंबर ॿ टे वेठा आहिनि को सेनेटर को सूबाई असेंबली ऐं को हिते वज़ीर त न असीं बि हिननि वांगुरु मुखालिफ़ आहियूं वरी ॿी ॻाल्हि ॿुधायांसीं त मेंबरियाणियूं बि आहिनि अयाज मेंबरियाणियूं बि ॾिनियूं अथनि हिकु ॿ मर्द ॾिना अथनि जेके टीवीअ ते वेठा वेठा ॿोलीनि ऐं मुंहुं फिको बि कोन थो थियनि शर्म बि कोन थो अचेनि मायूं थी कूड़ वेठा पेर ॿधी हणनि ऐं चवनि त न बाबा असीं मुखालिफ़ आहियूं बाबा मुखालिफ़ आहियूं त या त पार्टीअ में रखो सदरे पाकिस्तान खे विहारियो उनजे पुट खे विहारियो सभिनी खे विहारियो त तो सिंध दुश्मन फ़ैसिलो छो कयो आहे जेकॾहिं सिधो नथो थिए अक्सर त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी हिनजे ख़िलाफ़ु आहे त गले मां वठी हिनखे उछलियोसि लाहे पट करियो सदारत तां ॾिसो त कीअं सिंधु दरिया बचे थो या नथो बचे भाड़िया सिंध खे गुमराह कंदा था सरकारी
गयूर मानू या जेके इन कैमरों के जरिए बुधन पा सारी दुनिया बुधे पी असी तह जमायतुन पहले मरहले में ही रबता मुहिम शुरू कई आगाही मुहिम शुरू कई जैसा बेदारी अचे हलो हलो बेदारी अचे जिनके कौमी गैरत होंगी जैसे इंदर नस्ल जो फिक्र हों और जमीर जो आवाज़ बुधी जाती लालचू छे वतन के बचाने सिंधु नदी के बचाने ला निकरी पवो असो के साथ वरी बदीन दे पंदा सजावल का इंशाल्लाह जल्द सारी सिंध में थी मान के आगाही मुहिम का असि पुरम एहतजाज के तरफ बदू पा ये असो आवाज मीडिया के जरिए साहब के जरिए कैमराओं के जरिए सारी सिंध दिसे पी पाकिस्तान दिसे पो दुनिया दिसे पी जी बोली समझना हूँ उन कर सब बुधन पा सारी सिंधी जो सारी दुनिया में रन पा सिंधी बोली समझन था जैसे सिंधी नता समझन तो उर्दू में बुधायूं बुधायूं तो भाई हम फेडरेशन में इसलिए नहीं आए हैं कि आप हमारे हमारे मादनी मसाइल भी ले लो हमारी जमीनें भी ले लो 270 किलोमीटर साहली समंदर पट्टी ले लो उसके अंदर समंदर ले लो इसमें कोल हमारा उधर से जो बिजली पैदा हो वो भी ले लो और अब आखिर में एक हमारी तहजीबी निशानी एक हमारी जिंदगी जिस पे जो हमारा हमारी नदी सिंधु नदी जो करोड़ों को पालती है वो भी हमसे छीनना चाहते हो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मुल्क में ये इताद नहीं होगा नफरत बढ़ेगी फेडरेशन मुतहद नहीं होगा लेकिन ये तादाद में जाएगा पहले बलोचिस्तान में ये सूरत हाल है केपी का ट्रेंड 50% चेंज हो चुका है सियासी अदम इस्तेहकाम पंजाब में भी है तो आप क्या चाहते हो सिंध को भी मुल्क के खिलाफ फेडरेशन के खिलाफ खड़ा करना चाहते हो हमारे करोड़ों लोगों की जरिए मौज छीनना चाहते हो तो सुन लें हम ये नहीं होने देंगे और हम किससे बचाएंगे आपके ये पालतू चार सियासतदान ये पालतू जरदारी पीपुल्स पार्टी और दूसरे ये आपको डिलीवर नहीं करेंगे क्योंकि जब इसने आपके कहने पे सिंध का बंटवारा 2002 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू सिंध असेंबली से कराया था तो यही लोग थे जिन्होंने पूरे सिंध में ऐसी गर्मी पैदा की कि वो फैसला उनको वापस लेना पड़ेगा इसलिए बेहतर है कि आप मुल्क में निफाक ना फैलाओ इस दलाल के दलाल ने आपको आसरा दिया ये मेरे साथ हैं ये कुछ नहीं होगा अभी आपको पता चल जाएगा बेहतर है ये बेमान को जो आपने तहफ़ दिया है बेमान लोग वो सिविल ब्यूरोक्रेसी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हों या सदर पाकिस्तान हो ये सारे आपको कोई बेहतरी या खुशहाली नहीं देंगे इसलिए बेहतर है ये फैसला वापस लें उन करे दोस्तों ये डिगी तहरीक सभी के चौं तुम इन हिस्सो थे थो सारे छठे के शहर जी के ना उन्होंने बुधा तो बबा सिंधु जो सौदो करे पीपलन हाने की सदारत हुकूमत वरती अचो तो इनके सिंधु के बचाऊँ सिंधु नदी के बचाऊँ सारी सिंध में राय आमा ठंडी और लखे मू गा एहतजाज कूँ असेंगे इन नौबत नी जो सुबह रास्ता बंद क्यों रेलू बंद करूँ वरी यो चवन तो बाबा हाँ कानून की भनकड़ी कर अरे जरे सदरे पाकिस्तान आईन के पुटी तो दे असो अवाम रोजी रोटी ला छो को कानून तोड़ी दो अस कानून तोड़ी वतन के ला पानी ला सिंधु नदी ला जेड़े ला
तैयार करो अस पुरम जुदोजहद के जरिए या सिंधु नदी जी अस नस्ल बहंदी छी इंशाल्लाह असि सी सी एम साहब इनके बहंदो छींदूँ कारा कानून थे नींदूँ गैरतमंद साथियों साथी दोस्तों सैयद जैन शाह साहब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब सरदार रहीम साहब सियाल साहब मजहर राहुजो साहब बेन समूर जमातन या दोस्तों मूसा सवेल जियो ए आर वाई जे के टी एन टाइम जो दोस्तों गलायो मु गाल शुरू ही इतना कई मुझन मुख्य समझ में कोन तो अचे तवा के मत समझ में अचे तो जैसे पाकिस्तान घेरे में जैसे केपीके में मानू एहतजाज पे कन बलूचिस्तान में मानू एहतजाज पे कन 144 लगल है पंजाब के मुख्तलिफ जिलन में टकराव है इस्लामाबाद में घेरा है ना कदें इस्लामाबाद में लाठीचार्ज है कदें घेरो है कदें झेड़ो है गरम पानी की बोतल IMF तां के ब्लैकमेल करे पंजू शर्तू भी मनाए कुछ वक्त अगे ईरान से टकराव हो भारत से टकराव है वेस्टर्न मुल्क वासा कौन पास रहन अफगानिस्तान की हुकूमत वासा कौन थी चाहे तो बाकी एकड़ो सूबो बचो है जिते गड़बड़ कान है जिते अमन आए जिते भुख के बावजूद जिते तकलीफ के बावजूद मानू अजा रस्तन से कोन निकता है उनन की निड़ी से लत दई मच्छर आए उनन के पेट से चिल्ले पैर रखी उनन के गोगो दई जरदारी साहब ए शहबाज शरीफ साहब सिंध के मानन के बाहर छोटा आन चाहे मुख्य सजीब जी समझ में नथी अचे पाकिस्तान की अदालतों मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के इदारों मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुझे समझ नहीं आ रही कि आप सिंध के लोगों को रास्तों पे क्यों निकालना चाह रहे हैं क्या ख्वाहिश है आपकी क्या मकसद है हम कोई अपनी मर्जी से आज थोड़ी निकले हैं ये दोस्त कराची से जो पैदल चल रहे हैं नौजवान आप सब ये दिहाड़ी वाले थोड़ी हैं पैसे लेके थोड़ी आए हैं ये अपनी मर्जी से घरों में आराम करना चाहते इनका जब पानी बंद कर रहे हैं जब इनका निवाला छीन रहे हैं तो वो रास्तों पे निकले हैं उनको रास्तों पे निकलने पे आप मजबूर क्यों कर रहे हैं आप क्यों चाहते हैं कि सिंध के लोग डंडे हाथ में लेके पत्थर लेकर वो भी रास्तों पे गाड़ियां रोकें रास्ते बंद करें धरने दें शाहराए ब्लॉक करें कराची से लेकर कंदकोट तक आपको पता है कितना मुफासला है कराची से लेकर कंदकोट तक 750 किलोमीटर का सिंध की शाहरग है उस पर कहां कहां लोगों को रोक सकेंगे आप कहां कहां पुलिस के जरिए गिरफ्तारियां कर सकेंगे अगर 750-800 किलोमीटर पे सारे लोग निकल आए तो आप एक रास्ता नहीं रोक सकते आप क्यों चाहते हैं कि सिंध बंद हो जाए आप क्यों चाहते हैं कि सिंध में शटर और पहिए बंद हो जाए और सिंध में रास्तों पर खामोशी हो और लोग एहतजाज में हो उनको पत्ता ना हिल सके क्यों चाहते हैं आप इन हालात में आप क्यों चाह रहे हैं एक तरफ आपको कामयाबी मिली है ये SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है लोग आए हैं दुनिया भर से दूसरी जानिब आप अपने हमवतन लोगों की गर्दन पे पांव क्यों रखना चाह रहे हैं मुख्य समझ में नथी अचे ते छो पिया कन जरदारी साहब अलह हिनन सा गड है अलह के बी मखलूक सा गड है अलह के बी आलमी ताकत के चवण ते यो फैसलो करायो तस ते संदीप डंडवाले लखियो खणी निकरी अचन छाठो चाहे मुखे खबर नाए तई बुधाय जो मुखे छक कैनाल
हिकड़ो न ब न टे हिकड़ो कैनाल निकरंदो पण लठियो खणी निकरंदा सी चश्मा जेलम तौसा पंजनत पण के चयो त ये बरसातुन में वांदा को हाने सजो साल पे आवन हिकड़े कैनाल ते सदरिया मानु का छ कैनाल सवा ब खरब रुपया खर्च पौना 200 किलोमीटर तवील कैनाल जो 40 का पौना 200 किलोमीटर समझो था हैदराबाद का कराची जो डिगो कैनाल उन वरी बी सब्सिडरीज उए केडा पे खणे वन चोलिस्तान चोलिस्तान में हारन ला न वो सना भावरन मजदूर ला न सरकारी रिटायर्ड कामोरा एमएनएस एमपीएस वडेरा एल हुकुमरान उनन जो ते जमीन उनन के पैरी वठराए को उनन के कैनाल छाए को उनन के पानी पहुंचाए ऐ वो केड़े कीमत ते कसंद तफा थियो इक केड़े किस्म जो सरदारी साहब तू सदर रही एड़ो हशर चवंदा आहिनि जाम सादिक अली हीअं कयो फलाणे हीअं कयो फलाणे हीअं कयो मोहम्मद खान जून जो हो वज़ीर आज़म उन जे दौर में ईअं कोन थियो जाम सादिक अली जे दौर में ईअं कोन थियो मुशरफ जे दौर में कोशिश थी पर कामयाब कोन थिया ज़िया उल हक जे दौर में ईअं कोन थियो अयूब ऐं यहया जे दौर में ईअं कोन थियो नवाज़ शरीफ अंग्रेजी में चवंदा आहिनि गुड कॉप ऐं बैड कॉप हिकिड़ो पुलिस वारो अची नंढा हणंदो आहे लॉकअप में कुटे मोटराणी रतो रत ॿियो पुलिस वारो वरी ईंदो आहे चवंदो आहे ॾाढो ज़ालिम आहे ॾाढो वेशी आहे मारे मारे हद गुड भञी छॾंदई तंहिंजे करे सची खणी कर मञी छॾ मञी छॾ मूं त घणो ई रोकियो त मां तुंहिंजे लाइ चांहि बि ठाराए विया मञी छॾ मञींदो क़बूल कर ॾाढो मारींदई वरी उहो हलियो ईंदो आहे वरी ॿियो अची लथो था कुटणु शुरू कंदो सरदारी साहब हिकिड़े पासे पाण फैसला पियो कराए ॿिए पासे कुझु एम एन अड़ा कुझु एम पी अड़ा कुझु वज़ीर अड़ा कुझु करोड़पति उहे मैदान में लाहींदा उहे वरी चवंदा असां एहतजाज कयो आहे असां ॾाढो गोड़ कयो आहे उन्हनि जो बाबो आई जी फ़ैसिलो करे ऐं पोइ वरी सिपाही लठ खणी चयाऊं आई जी सां अख़्तिलाफ़ रखां मूं आई जी खे चई छॾियो आहे बाबा ईअं न थींदो होॾे आई जी वरी चए पॉलिसी ईअं थींदी सिपाही वरी पंहिंजी लठ खणी चटी पाए हुजे पाड़ेसरी मुल्क जी फिल्म न चटी पायल न आहिनि न सिपाही चटी पाए घुमे पियो उहो चए थो न ईअं कोन थींदो आई जी हिननि जो आसिफ ज़रदारी उहो करे फ़ैसिलो उहो चवे त कैनाल ठाहींदासीं वरी को एम एन ए को एम पी ए को ॿियो चवंदो बाबा असां ख़त पिया लिखूं असां ॾाढो एतिराज़ कयो आहे असां रोकियो आहे तव्हीं हुननि सां मिलियल आहियो तव्हांखे चयो वियो आहे त तव्हीं ईअं ॻाल्हाइजो ऐं होॾां उहो कारवाई कंदो मां यकीन सां चयो अॼु उहो हली आहे जेका बेदारी मार्च निकिती आहे मरीअल खां हेठि पई उन सॼे स्कीम खे मुस्तरद करे छॾियो आहे मुंहिंजा भाउर मुंहिंजा दोस्त बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त हीउ निज़ाम सॼो हिकिड़ी जाली इलेक्शन जे ज़रिए ठहियो हिकिड़ी बोगस इलेक्शन जे ज़रिए ठहियो ऐं जी डी ए पहिरें ॾींहुं हिनखे रिजेक्ट कयो आहे श्री साहब सां करे जानफेड में बि इहो ऐलान कयो त हीउ सॼो निज़ाम ख़रीद फरोख़्त जो निज़ाम आहे कंहिं हिनखे ख़रीद कयो कंहिं हिनखे विकियो ऐं उनजे निज़ाम जे ज़रिए को जाली सदर ऐवान सदर में वेही जेको 40 महीने पार्लियामेंट में वेही असांजे बुनियादी हक़नि खे कसण जी कोशिशि कंदो त पोइ असां यकीन सीसा पिलायूं दीवार की तरह उहो खड़े हुजाए और इहे बात फिर त हो चुका आहे की हुन सभिनी जे दोस्त हिते विच मां आहे दस पार्टी जे साइज़ में पूरे सिंध जी ऑपोजिशन में रिप्रेज़ेंटेड आहे जी डी ए के दोस्त हमारे सारे और दीगर जमात हमारा बुनियादी एक नुकता है कि हम इस स्कीम को जिसके जरिए सिंध को सुखाने की कोशिश की जा रही है हम इसको मुस्तरद करते हैं हम इसको नहीं मानते आप अभी यहाँ पे छटा में बैठे आप जरा चले जाए समंदर की तरफ बदीन के लोग चले जाए समंदर की तरफ समंदर मुस्तकिल तौर पे जो है वो सारी जमीन बुखार है मुझे याद है जब बचपन में हम यहाँ छटा आते थे तो ये केलों की सरजमीन थी या चावल था या गन्ना था बदीन आज भी गन्ने के लिए मशहूर है लेकिन आहिस्ते आहिस्ते समंदर जो है वो आते चला आगे आता जा रहा है और समंदर इस जमीन को खा रहा है और हमारी तमाम फसलें उस इलाके के किसान उसे नुकसान हो रहा है तो मुझा भाव मुझा दोस्त इन तहरीक के जरिए इन बेदारी मार्च के जरिए
असा जो निकटूँ असा सी सिंध में ये अमल जारी रख अज अस मलीर में निकटूँ छठे पौतें और जगह जगह से नगर पाठक हुए गावे की हुए गारो हो छठो वही तमाम निकली बाहर इन गाल ऐलान कर तो असि सिंध के दरिया के छुप न दींदा कें भी कीमत से नींदा और सुबह असो प्रोग्राम हितों बदीन तय इंशाअल्लाह बदीन में जो पैगाम इंदो ये यकीन से चवान ये ऐवान सदर में वेठल ऐवान वजीर आजम में वेठल ये पार्लियामेंट में वेठल जो भी अमीर अमीर मूँ जो वेठा उतने जो सिंध जो सौदा कह खबर पड़ी चवान कि तो मुझे भावर मुझे दोस्तों ही चुन जो शुरू किया अस पैरों सुकूत में चंदा हुआ सिंध में रुगो असंधी सिंध में तो रुगो सरदारी है कोई कहें मां तक बुधाने चाहें तो सिंध में रुगो सरदारी ना है ये पैगाम मैं इस्लामाबाद तीन भी पहुंचे और जरूरत पड़ी तैवान सदर में गहराव भी कहते इस्लामाबाद में गहरा तो मुझे भावर मुझे दोस्त मुझे भावर मुझे दोस्त अस पैगाम के बेदारी में अच्छे पाँच भावर अमड़न भेनर के इन गाल आगाह करो न्याण से जे हाँ भी तुम तो कोटी बराज का एक महीना छो अगस्त जो सप्टेंबर का बारिश थे पी थे एक जरूर थोड़ा पानी जो करो कोटी बराज खेको और ये थकेदार पाया तो कोटरी तीन भी पानी को कोटरी तीन पानी को थके के केर पानी किंजर में पानी कें किंजर सुकी किंजर सुकी तो मुझा कराची के भारो मैं कराची के मेरे भारो मेरे दोस्त आप और की बात करें इसमें अरबा रुपए खर्च किए गए इसमें अरबा रुपए की कट की गई है तो के फोर को तो पानी कौन देगा कहाँ से पानी आएगा जिसमें आप के फोर में पानी देंगे पहले आप उतारी वो स्कीम जो थी जब जिस 25 अरब तक शुरू हुई आज वो 200 अरब तक पहुँच चुकी है किसने कहाँ पैसा खाया किसने कहाँ पैसा लूटा कोई बताने को क्या है ये सारा का सारा निजाम जाली है 2024 की 8 फरवरी के इलेक्शन में ये साबित किया और हम कोई भी टर्मिन कोई भी हमारा इनका इलेक्शन कोई भी कानून जो गैर कानूनी और गैर सारा का सारा निजाम बोगस और इलेक्शन में तो अगर वो कई एक्शन लेंगे नुकसान होना है शुरू हुई है ये मैं आपको बताता चलूँ चाहे उसमें कितने दिन लगे चाहे कहीं भी हमें जाना पड़े चाहे किनारों के ऊपर जाके बैठना पड़े चाहे हमें कबू शहीद बॉर्डर पर जाके बैठना पड़े और चाहे हमें हमारे सदन का घेराव करना पड़े कभी चलते हर सूरत होगी बहुत मेहरबानी बहुत